यहाँ पे भी डलगोना कॉफी, वहां पे भी डलगोना कॉफी, कितनी डलगोना कॉफी है यार। चलो मैं भी बना लेती हूँ। छोड़ो कौन बनाए, हाथ में दर्द हो जाएगा और वैसे ही सुबह से काम कर करके पाट लगी हुई है। तो काश कोई पिला देता। भाभी ये ले डलगोना कॉफी। यही मांग रही थी मैं, तुमने बनाई है? हाँ। आज सूरज कहाँ से निकला है? तुम्हारे हाथ में दर्द नहीं हो रहा इसको बना के? मेरे हाथ में क्यों दर्द होगा, मैं तो इसको 11 साल से बना रही हूँ। याद नहीं है मेरी शादी से पहले भी मैं तुमको पिलाती थी? हाँ वो तो है। इतने सालों से बना रही हूँ, इतने सारे हैक्स इकट्ठा कर रखे है ना कि बिना हाथ दर्द किए भी डलगोना कॉफी फटाफट बन जाती है। बड़ी यम्मी हो रही है यार, जरा मेरी फैमिली को भी सिखा दो। क्यों नहीं, लोगों को भी सिखा देती हूँ। और यही नहीं, इसके साथ मैं भी कुछ ड्रिंक सिखाऊंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद निशा को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो अब सिखा दो। कॉफी को फेंटने के लिए सबसे जरूरी है कि आप बर्तन कौन सा लें। तो ऐसा सेरेमिक का बर्तन बिल्कुल ना लेके आप ले इस तरीके का स्टील का ग्लास, अगर एक से दो लोगों के लिए बनानी है। फोक की मदद से इसे फेंटना और ग्लास को होल्ड करना आसान रहता है। यहाँ श्रुति इस्तेमाल कर रही है स्टील का बाउल, क्योंकि उसके 10 साल के एक्सपीरियंस में उसने ये जाना है कि इसमें फेंटने से फ्रॉथ बहुत अच्छा आता है। फेंटने के लिए यूज करेंगे इस तरीके का हैंड बीटर, और अगर नहीं है तो फोक यूज करेंगे। मशीन वाला तो बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि इससे फ्रॉथ सिर्फ रहते आता है आधा। श्रुति ने बताई है हमें ये परफेक्ट टिप्स परफेक्ट डलगोना कॉफी बनाने के लिए। दूसरा ये है कि इसके लिए इस तरीके की कॉफी ना यूज करके नेस्कैफे क्लासिक यूज करें, इससे बहुत बढ़िया कॉफी बनती है। और अब इसमें डालें 4 चम्मच कॉफी, और अगर 4 चम्मच डाल रहे हैं तो उससे दुगने रेशियो में डालें इसमें चीनी, जो कि है 8 चम्मच। इस रेशियो से आपकी कॉफी बिटर नहीं बनेगी। तो बस अब इसमें डालें पानी, और पानी को भी जो हमें डालना है वो 1-1 चम्मच करके डालते जाना है और इसे फेंटते जाना है। एक साथ पानी बिल्कुल ना डालें। अगर नॉर्मली आपको लगते हैं 15 से 20 मिनट, तो मेरी ट्रिक से आपको लगेंगे सिर्फ 6 से 7 मिनट। तो बस लगातार फेंटते जाएं और आप देखेंगे कि इसका धीरे धीरे कलर चेंज होता जा रहा है। और फेंटते फेंटते जैसे ही आपको ये थोड़ा टाइट लगे तो डालें इसमें 1 चम्मच पानी और फिर से इसे फेंटते जाएं। और फेंटते हुए आप देखेंगे कि इसका कितना अच्छे से कलर चेंज हो गया और ये लाइट भी हो गई है। यहाँ ये एकदम व्हिप्ड क्रीम की तरह हो गई है, तो आप इसे केक की ड्रेसिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। डलगोना कॉफी का कलर हमें इतना लाइट ही चाहिए, अगर थोड़ा सा भी डार्क हुआ तो कॉफी इतनी बिटर होगी कि अगर आप उसे दूध के साथ मिलाएंगे भी तो उसका कड़वा ही टेस्ट आएगा। इसे हम भर लेंगे अब पाइपिंग बैग में। अगर पाइपिंग बैग नहीं है तो आप घर पे बना सकते हैं या नॉर्मल स्पून से भी डाल सकते हैं। अब ये मैडम डेकोरेशन किए बिना तो मानेंगी नहीं, तो इन्होंने मेल्ट किया है डेरी मिल्क को और उसे डाला है पाइपिंग बैग में। आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब ग्लास में डाले दूध और इसके ऊपर डाल दें जो फ्रॉस्ट हमने तैयार किया है। यहाँ पे हमने पाइपिंग बैग से डाला है, आप चाहे तो स्पून से भी डाल सकते हैं। यहाँ पर बस डालें चॉकलेट और कुछ चोको चिप। अब घर बैठे रेस्टोरेंट वाली कॉफी को मिस कर रहे हैं, तो श्रुति ने डेकोरेट किया इसे अलग अलग तरीकों से। यहाँ पर हमने मिलाया है इसमें थोड़ा सा बीटरूट जूस सिर्फ कलर देने के लिए। अगर आप बच्चों के लिए घर पे केक बना रहे हैं तो इसे एज ए डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर चॉकलेट से डेकोरेट किया है श्रुति ने पहले ग्लास, अब इसमें डाला है दूध और उसके ऊपर लगाई है फ्रॉस्टिंग की लेयर। दोस्तों आज तो मुझे समझ आ गया कि अगर तुम्हारी फैमिली क्रिएटिव हो तो उसके कितने फायदे हैं। और ये सब देख के अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और लाती रहूं। तो ये तो थी मजेदार डेकोरेशन।
अब ठंडी कॉफी के साथ साथ अगर गर्म कॉफी पीना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाली डेकोरेशन जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं मेरी तरह आइस टी लवर की तरफ। तो अब बनाते हैं ये आइस टी, जिसे हम घर में मिलने वाले सामान से बना सकते हैं। तो इसके लिए गरम करें पानी 1 कप, और जैसे ही पानी में हल्का सा उबाल आ जाए इसमें डालें दालचीनी, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, और 2 लौंग और 2 बड़े चम्मच हनी। हनी नहीं है तो आप चीनी का इस्तेमाल करें। अब नींबू तो आपको मिल ही जाएगा, तो बस नींबू के छिलके को आपको ग्रेट करके इसमें डाल दें जिससे कि फ्लेवर आ जाए, और डालेंगे पुदीना पत्ता। अब डालें चाय पत्ती, यहाँ पर आप आधी छोटी चम्मच चाय पत्ती डाल सकते हैं। मैंने टी बैग का इस्तेमाल किया है क्योंकि छानने में आसानी रहती है। अब चाय पत्ती डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक इसे उबलने दें। अगर आप ठंडी जगहों में रहते हैं तो इसे गर्म पी सकते हैं, लेकिन अगर गर्मियां हैं तो आप इसे ठंडा करके नींबू और पुदीने की स्लाइस के साथ ठंडा करके पिए। इस ड्रिंक के लिए हम सबसे पहले चाशनी को बना लेंगे, क्योंकि बच्चे घर पे और बार बार वो कुछ पीने की डिमांड करते हैं, तो अगर हमारी चाशनी बनी रहेगी तो उन्हें हम इंस्टेंट कोई भी ड्रिंक बना के दे सकते हैं। इस चाशनी को आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो बस थोड़ी सी चाशनी में डालें अदरक और पुदीने के पत्ते। अदरक इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और इसी तरीके से मिंट भी बहुत फायदेमंद होती है। इसको 1 मिनट तक पकाएं जिससे कि फ्लेवर चाशनी के अंदर चला जाए। तो अगर आपको ठंडा पीना है तो 1 जार में डालें आइस क्यूब्स। अब डालें इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच चाशनी जो हमने तैयार की थी, या स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर डालें नींबू का रस, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए डालिए लेमन और मिंट की स्लाइसेस, और पानी डालकर इसे अच्छे से मिला लें। और दोस्तों, ये ड्रिंक रेस्टोरेंट में 100 से 150 रुपए में सर्व होती है, जिसे आप घर में आराम से 10 रुपए में बना सकते हैं। तो इससे हमारे पैसे भी बच गए और मजे भी पूरे ले लिए। तो देखा ना, मैंने तो अपनी नन से काम करा दिया, और मेरी इस हिम्मत के लिए 70,000 लाइक्स तो बनते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हम दोनों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।